असलामु अलैकुम और वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इसके बॉक्स फ्रॉम नारायण खान पख्तूनख्वा। आज है 10 जून और सुबह के 6:30 बज रहे हैं। वैसे 6:15 हो रहे हैं, सबको टाइम हो रहा है। और अभी हम लोग निकलने वाले गिलगित के लिए, और गिलगित अभी निकलेंगे और नाश्ता वास्ता कर लिया है। आपने देख लिया होगा नाश्ते शॉर्ट हम लोग देख लें या फिर साथ ही देख लें। और फिर अभी हम निकलेंगे गिलगित के लिए, बस होटल में जा रहे हैं, पैकिंग वगैरह सब कुछ हो गई है। और वहाँ पहले जाएंगे बाबूसर टॉप, वहाँ रुकेंगे थोड़ा सा, मुझे जैकेट चेंज करने क्योंकि किसी काम की जैकेट है नहीं है, इसे ठंड से कोई बचा नहीं किया और इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे, तो मैं जैकेट चेंज करनी है उससे पहले। और उसके बाद फिर मैं ये वाली जैकेट रख दूँगा, वॉली पहनूँगा और फिर वहाँ निकलेंगे बाबूसर टॉप, फिर जाएंगे गिलगित। आज हमारा प्लान होगा शायद हम हंसा में रुकें या करके बाद में रुकें, ऐसा मुझे कोई कन्फर्म नहीं है। तो अभी देखने का सीन है, पहले तो जाएंगे ना बाबूसर टॉप, फिर देखते हैं क्या सीन है। आप लोगों को पता है ठंड बहुत होने वाली है क्योंकि यहाँ पे नारायण में इतनी ठंड है, तो बाबूसर टॉप में तो अलग ही सीन होने वाला है। तो चलो यार, लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स स्टार्ट आवर डे। अभी नारायण में टेम्परेचर हो रहा है, वो हो रहा है 9 डिग्री सेल्सियस। रात में भी 9 था, मैंने चेक किया था, और अभी भी 9 हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है। अभी मैं जा रहा हूँ शॉट लेने के लिए, दोनों तरफ ग्लेशियर है, मैंने जो है वीडियो बनानी है, बीच में से गाड़ी आएगी और थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ ताकि अच्छा शॉट आ जाए। तो ये सब करना पड़ता है, एक शर्ट पहनी है, हल्की सी ठंड लग रही है लेकिन धूप में सही है, ग्लेशियर आया है ये देख सकते हैं आप। तो मैं आगे जा रहा हूँ, यहाँ से बीच में से गाड़ी जाएगी, बहुत ज़्यादा बड़ा ग्लेशियर है ये, मतलब एक फ्लोर तक तो हो गए ये। तो मैं आगे जाता हूँ और फिर गाड़ी बीच में से आएगी। सुबह सुबह का टाइम है, कुछ रश है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे आराम से कर सकते हैं।
सो राइट नाउ आई एम एट 13,700 फीट अबव सी लेवल। बाबू सर टॉप पे आप देख सकते हैं बर्फ़ कितनी ज़्यादा है, बिल्कुल ज़मीन तक होता ही है बर्फ़ आज इतनी ज़्यादा है। तो ये सीन है पूरा, यहाँ पे लिखा होता है यहाँ पे बाबू यहाँ तक तो हाथ भी नहीं पहुँचता है और यहाँ पे जो इतनी ज़्यादा बर्फ़ है भी। सो वी आर समवेयर अराउंड 50 किलोमीटर्स फ्रॉम गिलगित और थोड़ा सा लगे गिलगित, अभी पहले आएगा क्या नाम था उसका जगलोट और उसके बाद फिर आएगा गिलगित। बाकी अभी हम लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए रुके हैं, काफ़ी अच्छा हाईवे, बीच बीच में काफ़ी सारे पैचेस आते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोड ख़राब है, बीच में एक एक्सीडेंट भी हुआ था। तो सीन ये है कि अभी हम लोग खाना खाने के लिए रुके हैं और मैं आपको एक चीज़ बताना था कि पीछे लगा हुआ है बोर्ड और मेरे पीछे जो है वो है नांगा पर्वत, आप लोगों को नज़र आ रहा है, मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो वहाँ पे भी है, आगे जाएंगे तो गिलगित में भी हमारे व्यू पॉइंट वगैरह आता है, हमने देखा हुआ है हमने। तो अभी हम जाएंगे, हमारा प्लान है कि गिलगित में हम रुक जाएँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया रास्ता और बीच में काफ़ी ज़्यादा पैचेस भी आते हैं, तो इस वजह से ये सीने भी खाना खाते हैं। और फिर पहले आपको मैं नांगा पर्वत दिखाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है यार, पर मैंने शर्ट चेंज कर ली थी अपनी क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, बाकी हवा भी गर्म चल रही है मतलब कराची जैसा मौसम है। तो अभी बस मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, फिर खाना खाते हैं और फिर आगे निकलते हैं। वो जो आप पहाड़ देख रहे हैं बर्फ़ वाला, ये है नांगा पर्वत, ये रहा, मैं फोकस ही छोड़ दिया फोन, वाह। और इधर इसका बोर्ड लगा है, मैं आगे जाऊंगा, मुझे गर्मी लग रही है वैसे तो मैं अंदर जा रहा हूँ। तो ये है सो वी हैव टेकन अवर होटल और हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू है, शायद मेरी आवाज़ थोड़ी हल्की आ रही होगी, बस पीछे जो है रिवर है। और अभी जो है हम लोग गिलगित में हैं और हमें यहाँ पे होटल ले लिया, कल सुबह हम निकले शायद सोस वगैरह की तरफ, यहाँ पे कुछ पता नहीं, खाना वगैरह खाएंगे, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर आगे का सीन देखते हैं क्या है। तो कल रात को मैं ब्लॉग एंड करना भूल गया था, बस काफ़ी ज़्यादा थका था तो आके सो गया था। तो यार आज जो है हम लोग जा रहे हैं आगे सोस वगैरह साइड पे जाएंगे, तो आज के ब्लॉग में एंड कर देता हूँ। तो आई होप यार आपको अच्छी वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आई प्लीज़ बिग थम्स अप, मिलूंगा आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तो एज ऑलवेज पीएम।